अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज है हमारा लास्ट डे मड़ी में। आज हम सबसे पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे मंकी पॉइंट में, मंकी पॉइंट के बाद हम जाएंगे सीधा यूबी आ जाएंगे गाइस। तो सफ़र शुरू करते हैं। सफ़र शुरू करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ, आपको इस व्लॉग में बहुत ही आने वाला है मज़ा। तो गाइस व्लॉग देखने के लिए एंड तक बने रहिए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट लाहौर होटल। वहाँ पे हमने ऑर्डर किए हाफ फ्राई एग, ऑमलेट और साथ में पराठे और चाय, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं इस होटल के। पराठों के साथ चाय का ऑर्डर करना मत भूलिए गाइस। तो गाइस उम्मीद है इस सब की खुशबू आप तक ज़रूर आ रही होगी। और हाफ फ्राई की जो बात है ना, हाफ फ्राई एग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। अगर आप नॉर्थ जा रहे हैं तो आप ये लाजमी ट्राई करें। तो गाइस यहाँ हमने ले लिया एक कैरी डब्बा जिसमें हम जाएंगे मंकी पॉइंट पे। तो गाइस रास्ता जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जगह जगह पे उन्होंने शॉल्स लगाई हुई थी, मुख्तलिफ टी स्टॉल्स थे, चेरी स्टॉल्स थे गाइस, और कॉर्न स्टॉल्स थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस रास्ते का। ठंडी हवा थी और वेदर तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था गाइस। बस जिस जगह हम जा रहे होते हैं ना, उससे ज़्यादा प्यारा रास्ते का व्यू होता है। तो गाइस एक घंटे के अंदर मंकी पॉइंट आ चुका है। आप यहाँ पर मंकी देखें, ये आपको तंग नहीं करते, आप इन्हें तंग नहीं करते। तो गाइस ये जो हरकतें मैं इधर कर रही हूँ आपने ये बिल्कुल नहीं करनी। इन हरकतों पे इनको गुस्सा आ जाता है और ये आपको पड़ जाते हैं, ये आपको चक्की भी काट सकते हैं, मगर आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इनसे पंगे आप कम ही ले तो बेहतर है। इनके साथ आप पिक्चर बनवा लें, अदरवाइज़ इनको आपने कॉर्न खिलाने हैं कॉर्न खिला लें, ये आपको बगैर नुकसान पहुँचाए बगैर पकड़ लेंगे। गाइस ये बहुत ही प्यारे मंकी हैं इधर मंकी पॉइंट पे। अगर आप मड़ी जाएं तो यहाँ इस जगह का विज़िट ज़रूर करें। गाइस इन मंकी को किसी किस्म का डर नहीं है कि ये नीचे गिर जाएगा जंप करते हुए, कोई डर होफ नहीं है गाइस। ये हमारा छोटा सा मंकी है गाइस, रियल लाइफ वाला मंकी। गाइस मैंने पहले भी कहा था आपने मांगने की कोशिश नहीं करनी मेरी तरह, मेरा तो दिमाग ख़राब है गाइस। तो गाइस ये बहुत ही प्यारी जगह थी जहाँ पर उन्होंने मंकी के लिए पानी भी रखा हुआ था। दोस्तों अब सफ़र शुरू करते हैं हम अयूबिया का। दोस्तों हम रास्ते में स्टे कर कर के जा रहे हैं। ये सारा कश्मीर पॉइंट है गाइस, वो सामने कश्मीर है। तो गाइस हमने छांगला गली में कुछ देर के लिए स्टे किया जो कि बहुत ही प्यारी है। अगर आप अयूबिया जा रहे हैं तो रास्ते में इधर स्टे करना मत भूलें, बहुत ही प्यारी जगह है गाइस, बहुत ही सुकून वाली जगह है, कोई शोर नहीं है यहाँ पे, फ्रेश एयर है गाइस। ये हमें एक हॉल नज़र आया था गाइस, मुझे नहीं पता इधर कौन रहता है बट बहुत ही प्यारा हॉल था। तो गाइस 15 से 20 मिनट के स्टे के बाद हमने सफ़र दोबारा शुरू कर दिया अयूबिया की तरफ। गाइस अयूबिया में इतना कुछ खास नहीं है, जो लिफ्ट थी वो 5 से 6 साल पहले ही बंद हो गई थी, अदरवाइज़ वहाँ पर जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। मंकी पॉइंट से आप छांगला गली जाएँ, छांगला गली से आप डायरेक्ट वापस हो जाएँ, या रास्ते में कोई भी प्यारी जगह हो वहाँ पे आप स्टे करके खूब इंजॉय करें गाइस। तो यहाँ पे गाइस मेरे बच्चे को एक बटरफ्लाई नज़र आ गई, उसने उसको पागल कर दिया, उसको क्रेज़ आ रहा था कि हम बटरफ्लाई पकड़ें। गाइस आप जब यहाँ पर जाएं तो बटरफ्लाई बिल्कुल मत पकड़िए। झाड़ियाँ आपको मोस्टली जंगल के बीचों बीच मिलेंगी जिस वक्त हम जहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त, और पीछे की आवाज़ को आपने इग्नोर करना है। ये देखें किस कदर प्यारा फ्लावर है, पूरे जंगल में सिर्फ एक यही मिला है, वाओ। तो गाइस आपको मैंने पहले भी समझाया आपने बटरफ्लाई नहीं पकड़नी, और इस जैसे छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ानी पकड़ के। गाइस तो फिर वहाँ से थक के हम एक ढाबे पे आए जहाँ से हमने टी ऑर्डर की। और अगर गाइस आप इस जगह पे आए तो आप लाजमी यहाँ की टी पिए, और साथ में जो केक देते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। वैसा केक आपको लाहौर पिंडी पेशावर कहीं नहीं मिलेगा, जो आपको केक मड़ी में मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े का केक था, इस कदर वो फ्रेश था कि आपका दिन बन जाता है वो। तो व्यू बहुत प्यारा था तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर स्टे कर लिया जाए, और हमने यहाँ पे 1 से आधे घंटे के लिए स्टे किया था। तो गाइस 15 से 20 मिनट के बाद हमारी चाय आ गई जो कि थी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। आप व्यू देखें और चाय पिए, बहुत ही प्यार। अगर किसी को ऐसा व्यू और चाय पसंद है तो वो उसके लिए जगह जन्नत से कम नहीं है। तो गाइस ये था वो केक जो कि था बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और
ये था छोटा सा ढाबा जहाँ पे हम रुके थे और चाय पी थी, जहाँ से हमने चाय पी। भाई यहाँ पे आमेर से थोड़ी एक्सपेंसिव थिंग्स होती हैं, बट अगर आप यहाँ पे आए और चाय पिए बगैर और केक खाए बगैर यहाँ से चले गए तो फ़ायदा कोई नहीं। गाइज यहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि किसी दरख्त पे अल्लाह लिखा था है, अगर आपको भी नज़र आया तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी गाइज, तो गाइज हम वापस मड़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें लग गई बहुत ज़्यादा भूख। तो रास्ते में हमें एक और ढाबा नज़र आया। मैं इधर ड्रोनी चीज़ ढूंढने आई हूँ, ओह माय गॉड, इसी कमरे में मिलेगी। गाइस कुछ भी नहीं मिला, एक कवा मिला, साथ एक झरना मिला जो डायरेक्ट ऊपर पहाड़ों से आ रहा था। बहुत ही मज़ेदार और ठंडा पानी था यहाँ का। अगर आप कभी यहाँ पे आए तो यहाँ का ठंडा पानी ज़रूर पिए, बल्कि बॉटल्स में डाल के अपने साथ ले जाएं। बहुत ठंडा पानी है ये, बहुत ही फ्रेश वाटर होता है जो ज़मीन के अंदर से आ रहा होता है। गाइस हमने यहाँ पे की माश की दाल ऑर्डर जो कि थी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ये खाने के बाद हम वापस चले गए मड़ी और हमने बाय की बस के टिकट्स वापस जाने के लिए। स्काईवे बस की टिकट्स ली हमने बाय की। तो गाइस अगर आपने मड़ी से वापस आना तो वो बस जो है वो बेस्ट है, मड़ी की सबसे बेस्ट बस वही है स्काईवे जो आपको वापस लेके आएगी, और बहुत ही अच्छी सर्विस थी उनकी। तो गाइस हमें लग गई दोबारा भूख, रात हो चुकी थी तो हमने डिनर कर लिए, कढ़ाई ऑर्डर की लाहौर होटल से जो कि थी बहुत मज़ेदार। ये खाने के बाद हम KFC चले गए और बाकी सब ने चाय ऑर्डर की। तो गाइस बोतल तो आपको पता है KFC की कितनी मज़े की होती है। तो गाइस उसके बाद हमने बोला मड़ी को बाय बाय। उसके बाद गाइस ये पूरे बाज़ार से हमने गुजर के नीचे हमने जाना था बस स्टॉप पे जहाँ पे स्काईवे की बस खड़ी थी। गाइस जो स्काईवे वाले हैं वो आपको पिंडी तक एक कैरी डब्बा में भेजेंगे, उसके बाद पिंडी से आपको मिलेगी बस जो कि है बहुत ही प्यारी। गाइस इसमें इजीली आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, कोई भी मूवी कोई भी सीरीज़ आप इसमें देख सकते हैं टाइम पास के लिए। तो गाइस स्काईवे की सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, डेवो की सर्विस मुझे पसंद नहीं आई गाइस, बट इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी थी क्योंकि इसमें आप अपनी मर्ज़ी की मूवीज़ देख सकते थे, कुछ भी आप कुछ भी कहीं भी ओपन कर लो। यहाँ पे सारी सीरीज़ के ना एपिसोड मौजूद थे, मूवीज़ थी, कार्टून्स थे, गेम्स थी, कुछ भी गाइस जो आपका दिल करता है, आप फनी शो देखना है फनी शो देख लें, कुछ भी आप देख सकते हैं इसमें। और गाइस इस बस में जाने से पहले गाइस अपने हैंड फ्री आपने खुद लेके जानी है क्योंकि जो हेडफोन देंगे वो बेकार होते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।